नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। मैं राजन बड़ियाल ते पेश ने इस बेले दी खबरां। कल मुंबई च होई दी अग लगने दी घटना दा संज्ञान लैंदे होई अज रियासती गवर्नर श्री एन एन वोहरा होरें मुख सचिव बी बी व्यास होरें गी आखेआ ऐ जो सब्बै डिप्टी कमिश्नरें गी हिदायत देन जे फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने गी लेइयै ओह जरूरी कार्रवाई करन। एह ऑडिट अस्पतालें, शॉपिंग मालें, शॉपिंग सेंटरें ते नेगत होर संवेदनशील थाहरें उप्पर होना लोड़दा ऐ। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें आखेआ जे उंदी सरकार जमीनी स्तरै उप्पर संस्थानें गी सशक्तिकरण गी लेइयै पूरी चाल्ली बचने बज्जी ऐ। पंचायतें ते शहरी स्थाई निकायें दे प्रस्तावित चुनाएं गी इस्सै दिशा च इक गेईं उनें दस्सेआ ऐ। मुख्यमंत्री होरें आखेआ जे सरकार ने जून 2016 च सदन च होए दे इनें चुनाएं गी तौले करवाने ते इनें संस्थानें गी होर सशक्त बनाने गी लेइयै अपनी वचनबद्धता जाहर कीती ही। मुख्यमंत्री होरें एह गल्ल जम्मू च लोकें दे केई प्रतिनिधिमंडलें कन्नै गल्लबात करदे होई आखी। उनें लोकें गी आह्वान कीता जे ओह फरवरी च होने आले पंचायती चुनाएं दी बड़ी बद्ध गिनतरी च भागीदारी सुनिश्चित करन। उनें आखेआ जे पंचायत चुनाएं दे उपरांत सरकार स्थानीय निकाय चुनाव भी करवाग। राजस्व, हज ते काफ ते पार्लियामेंट्री सरबंधी मामले दे मंत्री अब्दुल रहमान बीरी होरें विधानसभा परिसर दा दौरा लाया ते उत्थें 2 जनवरी गी शुरू होआ करदे विधानसभा सत्र दी तैयारियें दा मौके पर जाइयै जायजा लैता। अब्दुल रहमान बीरी होरें विधानसभा दे हर इक सैक्शन च गए ते उनें तैयारियें दे बारे च पूरी जानकारी हासल कीती। इस मौके उप्पर विधानसभा दे सचिव एम आर सिंह, डायरेक्टर स्टेट तसदुक जिलानी सने असैम्बली सैक्रेटरीट दे अधिकारी भी शामिल होए हे। अधिकारियें विधानसभा सत्र गी सुचारू तौर उप्पर चलाने गी लेइयै कीते जा करदे इंतजामें बारे पूरा ब्यौरा दित्ता। राजस्व मंत्री अब्दुल रहमान बीरी होरें खाली पेनी प्रापर्टियें दी जमीन दी अवैध कब्जे च रक्षा करने की जरूरत बारे बल दिता है। उन्हें आखिया जे इन्हें प्रापर्टियें गी जमीन का इस्तेमाल विकास गतिविधियें ते दुए उपयोगी सार्वजनिक ढांचे के निर्माण के लिए किया जाना लोड़दा है। मंत्री बीरी होरें एक गल जम्मू च एक बैठका की अध्यक्षता करते हुए आखी। बैठका च खाली पेनी प्रापर्टियें गी विभाग च जम्मू संभाग के कामकाज का दौरान भी जायजा लैता गया। बैठका च दस्सिया गया जे जम्मू प्रांत च 14,12,000 ते 6 कनाल जमीन विभाग के नियंत्रण हेठ है। 1,64,400 कनाल जमीना पर अवैध कब्जा है, जबकि 1,399 कनाल जमीना की अवैध कब्जे थमां मुक्त करवाया गया है। सुरक्षा बलें अज बांडीपुरा दे गुण जहांगीर हाजां च सीएएसओ ऑपरेशन चलाया। एक गुप्त सूचना थ्होने दे आधार उपर इस क्षेत्र की पूरी चाली सीलबंद किया गया ते एह तपाशी अभियान रंभा गया। उन्हें क्षेत्र की नाकाबंदी करिए घरें की तपाशी भी चलाई। उन्हें उत्थे लंघने वाले आदमी की उन्हें गै लंघने की इजाजत दी गई जिंदे कोल शनाख्ती कार्ड हे। जनता दल यूनाइटेड आसिया जम्मू च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिस च जनता दल यूनाइटेड का आखना है जे भारतीय जनता पार्टी पीडीपी सरकार लोगों की मेदें के खिलाफ काम करा करती है ते लोग इस सरकार थमां पूरी चाली उकी चुके न कि जे इस सरकार ने कोई भी विकास काम नहीं करवाया न। इस मौके उपर जनता दल यूनाइटेड के राज प्रधान ते इस सरकार की फैमिली सरकार करार दिता। लोगों के सामने एक सही बात ताकि जनता की आंख भी खुले कि लोग जो है परेशान है। पूरे रियासत जम्मू में हर तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट, आपका टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल जीरो है, जो भी फंड्स है उनका मिसयूज हो रहा है। शर्म आती है कहने में कि सेक्रेटरीट जो है जहां पर लोगों के काम होते हैं वो तो एक अड्डा बन चुका है, वहां पर तो एक वहां पर बिजनेस होता है, बिजनेस हब बन चुका है। जबकि 10 से 4 जो सेक्रेटरीट, 10 से 4 जो काम होता है, 10 से 4 तो आपका मिनिस्टर कोई सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 7 से 8 वो अवेलेबल है सेक्रेटरीट में, क्योंकि उसका 7 से 8 मुझे पर्सनल काम हो रहा है। वेरी अपसेट। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रामलाल होरें अज जम्मू च पंचायती चुनाएं के लिए पार्टी के लीडर की। इस मौके उपर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सने सबै बड़े लीडर ते मंत्री शामिल होए दे हे। प्रमुख नेता ज्यादा से ज्यादा हमारे पंच जीत कर आए, सबसे फॉर्मेट दिया गया वहां पर जितने भी जिस चुनाव हारे थे हमारे संसदीय उनका भी स्वागत करें। तरीके से तय हुआ है लगभग के 15 फरवरी के बाद
जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव होंगे, मुख्यतः रूप से इस पर चर्चा जो है होगी, और मेरा मानना है कि पंचायतों के माध्यम से, लोकल बॉडीज के माध्यम से ये संभव हो पाता है। आज उसी चुनाव को लेकर, हालांकि हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने प्रभारी ऑलरेडी घोषित किए हैं, उनकी टीमें ऑलरेडी घोषित हैं, उनके माध्यम से पार्टी और पार्टी की विचारधारा के लोग, अच्छे लोग जो लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों के काम कर सकते हैं, चुनकर आगे आएं, इसी को लेकर मनी रामलाल जी का मार्गदर्शन रहेगा।